हिंदुस्तान में लॉकडाउन जारी है। हिंदुस्तान जंग कर रहा है कोरोना वायरस पैंडेमिक के साथ। कहीं ना कहीं उस जंग में लॉकडाउन का फायदा हुआ है, ऐसा बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता। इस वक्त हिंदुस्तान करीब 23,000 से 25,000 पॉजिटिव केसेस हैं कोरोना वायरस के। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मानना है अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद केस 1,00,000 से ऊपर होते। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक फैसला था लॉकडाउन का, वो सही था और बड़ा टाइमली था, माने समय पर लिया गया था। मैं खड़ा हूँ वर्धमान अपार्टमेंट्स के सामने। ये वो जगह है दिल्ली की जहाँ पे कि हॉटस्पॉट है और वो सील हो रखा है। यहाँ पे सीलिंग 20 दिन से ऊपर की हो गई है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है हिंदुस्तान के लोग और ये खासकर वर्धमान अपार्टमेंट्स के लोग इस लॉकडाउन को और सीलिंग को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद क्या वायरस काबू आएगा? क्या हिंदुस्तान कोरोना वायरस पैंडेमिक पे काबू कर पाएगा? ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी तो लगता है कि लॉकडाउन का असर कुछ ना कुछ भारत को फायदा ज़रूर हुआ है। वर्धमान अपार्टमेंट्स, नई दिल्ली से पल्लव बागला।